तो ये फाइनली पहुंच चुके हैं सारी गांव में, और अभी जा रहे हैं हम पहले मयंकी ननिहाल, क्योंकि टाइम अभी 11 बज रहे हैं। खाना खुना खा के चलेंगे शाम को, ऊपर का ट्रैक जो है शाम को करेंगे। इतने पे चढ़ते हालत ख़राब हो गई, अब यह 3 किलोमीटर का ट्रैक कैसे होगा ये पता नहीं है। फिलहाल अभी घर में चलते हैं, खाना खाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। आपको शायद ट्रैक ही पर मिलेंगे जब हम ट्रैक कर रहे होंगे। अभी तो जैकेट जुकेट पहने हुए हैं क्योंकि बाइक में थोड़ा ठंड लगती है, तो अभी उतारे नहीं है। तो जो खाना पीना हो गया है, टाइम भी दिन के 1:30 बज रहे हैं और हम निकल पड़े हैं सारी गांव से ऊपर देवरा ताल के लिए। हमारे साथ जा रहा है रचित, हमारे साथ है रचित जो कि मामा का लड़का है, ये आ रहा है, और इसका बड़ा भाई है वो भी आ रहा है शायद, क्योंकि अभी इसका फिक्स नहीं है वो आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन रचित तो हमारे साथ चल रहा है, रचित भी हमारे साथ वहीं पे रुकेगा। मैंने जो है कॉटेज नहीं देखे हुए हैं, इसने देखे हुए हैं, तो इसके पापा को थोड़ा काम है, मामा जी को काम है थोड़ा और बहुत वो करना है, वो नहीं आ रहा है, तो इसलिए जो कि रचित हमारे साथ आ रहा है। गर्मी इतनी है एकदम सिर के ऊपर, जो कि धूप है तो बाद में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि धूप जो है कि यहाँ जाएगी, सनसेट यहाँ पर होगा तो धूप रहेगी नहीं रहेगी तो उतना ही फायदा है। क्रिस भट्ट, क्रिस हाँ। तो क्रिस भी आ गया है हमारे साथ, चल रहा है ऊपर। हाँ। पक्की बात ना? हाँ। रास्ते कल्टी तो नहीं मारेगा ना? नहीं। ठीक है फिर, तो ये बता रहे थे ये कहीं भी जा सकता है, फिक्स नहीं है, लेकिन अब इसका फिक्स है, ये भी हमारे साथ चल रहा है। ये स्टार्ट कर दिया हमने ट्रैक, ये पीछे गेट है देवरे ताल के लिए। अब आएगी मज़ा, वो खड़ी चढ़ाई यहाँ से और ऊपर से यार धूप, वो आपको रास्ते में दिखाते हैं कि कितनी आफत आने वाली है। इन सब की जैकेट तो निकले हुए पहले से, बस मेरी जैकेट निकलनी बाकी है। क्यों क्रिस? तो हम पहुँच रहे, क्रिस को बोला था मैंने पानी भरने के लिए, मैं बोला क्रिस कहाँ गया? क्रिस जो कि हमसे पहले यहाँ आया हुआ है, पता नहीं कहाँ से शॉर्ट मारा इसने, हमसे पहले पहुँच गया और हमारी यहाँ हालत ख़राब हो गई है, पसीना आना स्टार्ट हो गया है यहाँ से। लेकिन घर से मैंने ये सोचा था कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट होंगे, यहाँ पे लाइन लगी होगी, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। ऊपर देखते हैं ऊपर कितने लोग मिलते हैं, रास्ते में तो कोई भी नहीं मिल रहा है। मुझे ये लगा था कि होंगे यहाँ पे लोग, क्योंकि यहाँ पे जो कि 12 महीने खुला रहता है, तो भाई का जैकेट तो निकल गया है, अभी बस हाथ जलेंगे। और रास्ते में आपको जो कि थकान लगती है, तो बहुत सारे जो कैफे खुले हुए रास्ते पर, सब चीज़ आपको मिल जाएगी, आपको रेस्ट करना है वो भी मिल जाएगा, कुछ खाना पीना है वो भी हो जाएगा। धीरे धीरे चलते जाना है, बस हमारी तरह जो कि इतनी गर्मी में नहीं आना है, बस सुबह को ट्रैक करो या शाम को, लेकिन दिन दहाड़े मत करो। इतने दिन में जो कि गर्मी बहुत होती है और हम हो रहे थे बोर, तो हमने सोचा चला जाए। तो क्रिस बोला कि आधा से ज़्यादा आ गए हैं, तो इसकी बातों को मानते हैं, क्योंकि मैं तो सेकंड टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को ज़्यादा आइडिया है नहीं। ओह, लेकिन यहाँ से जो कि काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है, और चढ़ाई उतनी नहीं है, नॉर्मली चढ़ाई है, अभी धूप है। हाँ, तो ना दिख रहा है यहाँ से, अभी जो कि चढ़ाई नहीं है उतनी, बस धूप है, इसकी वजह से जो कि ज़्यादा आफत आ रही है, नहीं तो सब कुछ नॉर्मल ही है। हमने विंटर कैनात किया हुआ है तो ये कुछ भी नहीं लग रहा। हाँ, चंद्रशिला ठीक है, सीधा इंच। तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया होम स्टे यहाँ पे बने हुए हैं, और सामने पूरे माउंटेंस दिखाई दे रहे हैं। ये सामने पर है यहाँ पे चंद्रशिला पीक है, यहाँ पे है तुंगनाथ, और ये पूरा यहाँ पे चोपता वैली है,
के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं वहाँ से, यहाँ से सॉरी, पता नहीं मैं क्या ही बोल रहा हूँ। एक तो धूप इतनी है। चलो पहले जो कि कॉटेज पे आ रहे हैं, थोड़ा आराम करेंगे फिर निकलेंगे, क्योंकि टाइम अभी हमारे पास बहुत टाइम है। अब इसे क्या करना है, वहाँ पे भी थोड़े यहाँ पे रुकते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद जो है कि चलते हैं देवरा ताल में, वो दिखाते हैं आपको। कौन तुम आरोप योवा वो बीच वो किसी किचन, तो ये कॉटेज का किचन है और ये कॉटेज है यहाँ पे, ये वाले उधर वाले नहीं है, ये दो यहाँ पे दो रूम ये और ये। लेकिन भाई साहब जो यहाँ से व्यू दिखाई दे रहा है उसका क्या ही कहना। अब जरा कैमरा आगे घुमाता हूँ मैं और ये देख लीजिए, ये जो कि रोड से थोड़ा इधर की साइड है, जो सामने में दुकान दिखाई दे रही है वहाँ से जाते हैं देवरा ताल के लिए, ये थोड़ा सा इधर है 20 मीटर होगा हार्डली। और यहाँ सारे पीक जो है माउंटेन पूरे क्लियर दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ का व्यू ये आप खुद देख लीजिए। ओहो हो, और यहाँ पीछे वाले माउंटेन पूरे दिखाई दे रहे हैं यहाँ तक वाले। हाँ थोड़ा जो कि सनसेट होगा फिर जाके मज़ा आएगा, अभी तो धूप है लेकिन कमरे के अंदर ज़्यादा धूप नहीं होगी। यहाँ पे इनका किचन है कॉटेज का और यहाँ पे जो है कि कॉटेज है। अगर आपको यहाँ पे आना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो कि आपको नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और ऐसे ही फ़ोन मत करना खाली जानकारी लेने के लिए, अगर आपको आना है तो तभी आप फ़ोन कीजिए, नहीं तो ये लोग भी परेशान हो जाएंगे। तो भाई साहब ये कॉटेज है, यहाँ पे 3 बेड लगे हुए हैं, 1, 2 और 3, इस पर 3 लोग तो आराम से सो ही सकते हैं और इस पर 1 आदमी सो सकता है। क्या हालत हो गई भाई साहब, ऐसी दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, कटवानी थी ये, क्योंकि फोटो में अच्छी नहीं लग रही है तो वीडियो का पता नहीं वीडियो में कैसी लग रही होगी। कहना लग रही दाढ़ी अच्छी लग रही है, दाढ़ी खाली मजाक पैर गड्ढे में चले गया। अभी जो है कि जो हमारा कॉटेज है उससे थोड़ा आगे आ रखे हैं और यहाँ से जो व्यू है, यहाँ जो कि कुछ अलग ही नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, जो देवरा ताला है वो उस साइड है और यहाँ जो कि एक बार आप नज़र घुमाएं चारों तरफ, यहाँ से और भी अच्छा व्यू आता अगर ये कोहरा लगा नहीं होता, अभी धुंध धुंध टाइप की है पूरी, नहीं तो पीछे वाले माउंटेन पूरे दिखाई देते। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये है चंद्रशिला टॉप, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से करते हैं जूम आउट, ये बाकी चीज़ों का नाम मेरे को पता नहीं है। ये है तो ये है चौखम्मा पर्वत और ये है केदारनाथ वाली पीक ये सामने पे। अभी टाइम शाम के 4 बज रहे हैं तो अभी निकल पड़े हम ताल देखने के लिए, वहीं से जो कि हम पानी भी ले आएंगे, खाना खुद बनाएंगे हम। तो दो खाली गैलन हमने रख दिए हैं, पानी हम वहीं से लेके आएंगे पीने के लिए और खाना बनाने के लिए। व्यू दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कोई भी लोग नहीं है, बस हम ही है, मगर टूरिस्ट यहाँ पे एक भी नहीं है, बस हम ही टूरिस्ट है यहाँ पे। कितना क्लीन है यहाँ पे, हो एकदम साफ है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है झाड़ू मारा होगा किसी ने। ये ताल गोप्रो में पूरा कैप्चर हो रहा है तो ये काफी अच्छी बात है कि ज्यादा घुमाना नहीं पड़ रहा है, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक और सामने तक जाता है और गहरा है जो कि बहुत ज़्यादा गहरा है और पता नहीं चलता इसका पानी आता कहाँ से और जाता कहाँ है, दोनों चीज़ों का कोई पता नहीं है।
तो परिक्रमा करने में काफी मजा आ रहा है। ऊपर से जो है धूप भी एकदम यही पानी से पड़ रही है। सनसेट बना होने वाला है, थोड़ा रह गया बस। बढ़िया नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक हम सामने से जो कि टाइम लैप्स ले रहे थे वहीं पे बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ से कोई अच्छा ही व्यू आ रहा है। हाँ, भाग के आए यहाँ तक हम। हाँ, वहाँ से आप भाग के आए हैं ये देखने के लिए काफ़ी अच्छा सनसेट हो रहा है। तो अभी जो है टाइम 6:30 हो रहा है और लाइट सामने ऑन कर दी है और सामने पे काफ़ी अच्छा जो कि सनसेट हो गया है, फिर भी अभी काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। तो ये कुछ हमारा किचन है यहाँ पे, यहीं पे बनाएंगे खाना। मैगी बनेगी और मैगी के साथ बनेंगी रोटी। सामने का नज़ारा कुछ अभी ऐसा ही है, काफ़ी अच्छा। ओहो, ये नज़ारा क्या बताया जाए।